मैंने अपनी सगी बहन देवकी के 6-6 पुत्रों को अपनी गोदी में खिला खिला कर मार दिया। क्या ये दंडनीय नहीं है? क्षमा देवकी, चल मार मुझे। बस भगवान, अब मारते मारते मेरे अपनों का मक्खन है गया, अब नहीं है ना। भद्राक्ष, भद्राक्ष तू जानता है ना विष्णु के उस पूर्ण अवतार और गोकुलवासियों का जीवन नरक बना दिया है मैंने। उसे दूध दही मक्खन सब छीन लिया। चल, उनके बारे में सोच कर डरते मुझे। मार! अरे चोरी करने गए थे, हम ही थे ना भगवान। पॉन्ड्रिक, तू मुझे मृत्यु दंड देना चाहता था ना? तेरी ये मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। चक्रधारी, मैं समझ गया, तूने अपनी माया से ये प्रकाश व्यवस्था बनाई है, और तेरा ये मायावी सूर्य अस्त क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरा सर्वोच्च शस्त्र काल दंड तू व्यर्थ करना चाहता है। चाहे तू गगन में दूसरा सूर्य उगा ले, मैं इसे पौंड्रिक पर नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये काल दंड मैंने काना के लिए सुरक्षित रखा है। ठहर जा भद्राक्ष, बहुत हो गया। नहीं प्रभु, अभी तो मेरी दुष्कर्मों की श्रृंखला बहुत लंबी। कंस, जो स्वयं अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हो, मैं उसे दंड नहीं देता। यदि तू अपनी अंतरात्मा से प्रायश्चित करना चाहता है तो जा, अपनी प्रजा की सेवा कर, निर्दोषियों को राज्य के बंदीगृह से मुक्त कर,